36 and to the peripherals as well. Okay, it operate on plus 5 volt power supply. Understood? So the 8284 is an integrated circuit. It is a IC. It is nothing but a IC or chip designed specially for the use with 8086 or 8088 microprocessors. Okay? Without this IC, अगर ये आईसी अगर यूज नहीं होती थी विथ 8086 तो वी रिक्वायर मेनी एडिशनल बल्क सर्किट्स टू जनरेट क्लॉक सी एल ओ सी के क्लॉक और इट्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी एल के क्लॉक इन अ 8086 बेस्ड सिस्टम. अगर क्लॉक जनरेटर आईसी का यूज नहीं करते हम लोग तो वी रिक्वायर मेनी एडिशनल सर्किट. वी हैव टू जॉइन दिस सर्किट्स टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, तो सिस्टम बिकम बल्की एंड इट बिकम कॉस्टली. सो विद द हेल्प ऑफ दिस 8284 18 पिन आईसी द टोटल क्लॉक जनरेटर वर्क इज डन बाय दिस आईसी. इट कंटेन्स डिफरेंट पिन, जैसे 8086 का 40 पिन का आईसी था. ठीक है, वैसे ही 8284 इज ऑल्सो अ इंटीग्रेटेड सर्किट, इंडिकेट्स 18 डिफरेंट पिन्स. And each pin perform different functions regarding this clock generation, regarding reset generation. Okay, ठीक है. और ये clock generation की जरूरत किस लिए है? For proper synchronization between 8086 and between peripherals. Understood? 8284 is a 18 pin integrated circuit, and it is specially designed for the microprocessor. 8086. ठीक है, 8284 इज अ क्लॉक जनरेटर आईसी एंड 8086 इज योर माइक्रो प्रोसेसर. ओके, अंडरस्टूड? अभी बेसिक फंक्शंस, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय दिस क्लॉक जनरेटर 8284? दिस इज द पिन डायग्राम ऑफ योर 8284. इट इज 18 पिन डीआईपी आईसी ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बोथ साइड्स. Some pins are available 1 to 9 and 10 to 18 on the left hand side. On the right hand side, 1 to 9 and 10 to 18 or to the right hand side. Okay. So, DIP package, matlab dual in line package. Both sides pins are available and each pins perform different functions. This reset pin, RESET, reset of 8284, that is pin number 10. Is connected to the 8086 reset pin. 8086 में भी reset number pin होता है, ठीक है? उसको ये 8284 का reset connected होता है. Both are connected. Okay? So there are different pins available. You can see it from 1 to 18. On pin number 9 there is a ground. It is connected to ground. And pin number 18 VCC मतलब पावर सप्लाई पिन प्लस 5, इट रिक्वायर प्लस 5 वोल्ट सप्लाई टू ऑपरेट दिस आईसी. वी रिक्वायर प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई विच इज गिवन ऑन पिन नंबर 18. इज इट क्लियर? ग्राउंड एंड क्लियर, दैट इज पिन नंबर 9 एंड पिन नंबर 18. ओके, द नेक्स्ट पिन जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था वो था AEN1 एंड AEN2 बार. ओके, ये पिन हम लोगों की पढ़ के हो गई थी उसमें की, दैट इज पिन नंबर फर्स्ट. योर पिन नंबर फर्स्ट इज CSY CYNC. ओके, दैट इज योर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन पिन. CSYNC या CYNC इज योर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन पिन. ओके, इट इज एन इनपुट पिन. इट इज एन इनपुट पिन टू 8284. ठीक है, तो ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन कहां से मिलता है? क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, दिस पिन प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन विद द सिस्टम. अभी अपना सिस्टम कौन सा है, कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं हम लोग 8284 क्लॉक जनरेटर के साथ? कौन सा प्रोसेसर या सिस्टम यूज कर रहे हैं? 8086 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं. सो 8086 से जो भी क्लॉक जनरेट होगा
और 8 to 8 4 का जो क्लॉक रहेगा, दे मस्ट बी इन सिंक्रोनाइजेशन, दे मस्ट बी इन सिंक. ओके, सो CSYNC इज अ क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन पिन. इट इज यूज्ड whenever any external, whenever any external frequency input provide synchronization with the system, जब हम लोग मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज कर रहे हैं, दैट टाइम दिस क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन पिन इज यूज. व्हेन वी यूज मल्टीपल प्रोसेसर इन द मैक्सिमम मोड, व्हेन 8086 ऑपरेट इन मैक्सिमम मोड एंड देयर मल्टीपल प्रोसेसर कनेक्टेड विद द सिस्टम, ओके, दैट टाइम दिस क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन पिन इज यूज. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम, CSYNC, दैट इज क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन पिन. इट इज अ इनपुट पिन एंड दिस पिन इज यूज इन द सिस्टम व्हेन देर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स आर कनेक्टेड विद द सिस्टम. मतलब जब 8086 वर्क्स इन मैक्सिमम मोड, दैट टाइम दिस क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन पिन इज यूज. ओके, अंडरस्टूड क्लास? नेक्स्ट मूव यस टू मैम, द नेक्स्ट पिन, दैट इज योर पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल, पी क्लॉक, PCLK, दैट इज पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल. दिस इज योर पिन. इट इज अवेलेबल ऑन पिन नंबर टू. इट इज अवेलेबल ऑन योर पिन नंबर टू, पी क्लॉक, पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल. इट इज एन आउटपुट सिग्नल. ओके, आउटपुट सिग्नल मतलब दिस पिन इज कनेक्टेड टू 8086. मतलब 8 to 8 4 के जो भी पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगा, इट इज गिवन टू 8086. और क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन 8086 से जो भी सिंक्रोनाइजेशन या पेरिफेरल से जो भी सिंक्रोनाइजेशन आएगा, इट इज गिवन टू 8 to 8 4. इनपुट आउटपुट मैं हर एक पिन के कौन से पिन इनपुट है, कौन से पिन आउटपुट है, पिन है, ये बताऊंगी. सो योर फर्स्ट पिन CYNC इज द इनपुट पिन एंड पिन नंबर टू, दैट इज पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल, इज योर आउटपुट पिन. ओके, नोट डाउन एवरीवन, द पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल, द पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल इज द आउटपुट पिन. इट प्रोवाइड अ क्लॉक सिग्नल टू द पेरिफेरल इक्विपमेंट. अंडरस्टूड? पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल है तो वो किसको प्रोवाइड करेगा क्लॉक सिग्नल? टू द पेरिफेरल डिवाइसेस विच इज कनेक्टेड टू द सिस्टम और विच आर कनेक्टेड टू द प्रोसेसर. ओके, इट हैज 50% ड्यूटी साइकिल. जो भी क्लॉक सिग्नल्स होती है उसकी कुछ ड्यूटी साइकिल होती है, वो परसेंटेज में हम लोग लेते हैं. सो पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल हैविंग 50% ड्यूटी साइकिल एंड इट इज आउटपुट पिन. मतलब पेरिफेरल को कनेक्ट करेगा, ये क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगा तो वो आउटपुट पिन, इट ऑपरेट एज अ आउटपुट पिन. इट प्रोवाइड क्लॉक सिग्नल्स टू द पेरिफेरल्स. पेरिफेरल्स मतलब आउटपुट डिवाइसेस जो सिस्टम को कनेक्ट है. समझ में आया? समझ में आया? इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती है और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती है, उनको हम लोग पेरिफेरल्स बोलते हैं. ठीक है, विच आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसर, विच आर कनेक्टेड विद द सिस्टम. सो दिस पिन नंबर टू, पी क्लॉक सिग्नल, इज अ आउटपुट सिग्नल विच प्रोवाइड क्लॉक सिग्नल टू द पेरिफेरल्स. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, योर पिन नंबर थ्री एंड पिन नंबर सेवन. पिन नंबर थ्री एंड पिन नंबर सेवन इन द पिन कॉन्फिगरेशन AEN1 एंड AEN2. ओके, नाउ AEN1 AEN2 क्या था, एक्सटेंशन क्या था AEN1 AEN2 का? एड्रेस विच इज इनेबल पिन, यस, एड्रेस अनेबल पिन. दीज आर द एक्टिव लो सिग्नल्स एंड इट इज यूज विथ रेडी वन एंड रेडी टू. ओके, दीज आर द रेडी सिग्नल्स, रेडी वन एंड रेडी टू, RDY1 एंड RDY2. दीज आर द एड्रेस अनेबल पिन नंबर वन. एड्रेस अनेबल पिन नंबर टू इज यूज विथ रेडी सिग्नल्स, रेडी वन एंड रेडी टू. ओके, समझ में आया? जब भी प्रोसेसर वेट स्टेट में होता है, जब भी प्रोसेसर वेट स्टेट में होता है एंड दिस वेट स्टेट इज जनरेटेड बाय रेडी पिन ऑफ 8086,
वेट स्टेट कौन इंडिकेट करता है? 8086 माइक्रोप्रोसेसर के पिन कॉन्फ़िगरेशन में जो रेडी पिन है वो जब एक्टिव हाई होती है दैट मीन्स 8086 इज इन अ वेट स्टेट, और जब भी ये वेट स्टेट होता है तब ये एड्रेस अनेबल पिन प्रोवाइड किया जाता है विथ रेडी सिग्नल्स RDY1 एंड RDY2। ओके, अंडरस्टूड क्लास? यस मैम। एड्रेस अनेबल पिन्स आर यूज विथ रेडी सिग्नल्स RDY1 एंड RDY2। ओके, सो बोथ परफॉर्म, बोथ वर्क टुगेदर, एड्रेस अनेबल पिन्स एंड रेडी पिन्स। ओके, दे आर वर्किंग टुगेदर व्हेन 8086 इज इन अ वेट स्टेट। ओके क्लास? ओके, सो AEN1 एंड AEN2 दीज आर द एक्टिव लो सिग्नल्स, मतलब व्हेन दिस पिन वर्क्स व्हेन इट बिकम जीरो, व्हेन दिस पिन सेट टू जीरो दैट टाइम दे विल परफॉर्म इट्स फंक्शन, बिकॉज एक्टिव लो सिग्नल, और एक्टिव हाई सिग्नल कब वर्क करते हैं? When it's set to 1, active high signal कब अपना function perform करते हैं? When it's set to 1, और active low signal when they are set to 0, that time they will perform their function. Understood class? ये जब 8086 का pin configuration पढ़ा था तब भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि हर एक जो भी IC पढ़ेंगे उसमें कुछ signals active high रहेंगे, कुछ signals active low रहेंगे. Active high signals पे विदाउट बार प्रेजेंट रहेगा, बार प्रेजेंट नहीं रहेगा, और एक्टिव लो सिग्नल्स पे बार प्रेजेंट रहेगा, जैसे AEN1 बार, AEN2 बार। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, सो दिस पिन्स परफॉर्म इट्स फंक्शन व्हेन इट बिकम सेट टू जीरो। सो ऑन पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 7 ऑफ द पिन डायग्राम ऑफ 8284 AEN1 bar and AEN2 bar, these pins are present. When this pin set to 0, then it will perform its function. This is the address enable pins. Address enable pin 1, address enable pin number 2. It is used with ready signal RDY1 and RDY2. That is your pin number 4 and 6. All these pin number 3, 4, 6 and 7 work together. When this pin work together, जब 8086 microprocessor wait state में होता है, तब address enable work with ready signals. Okay, understood class? Now next, ready करके भी एक pin है, that is your pin number 5. That is READY, ready. This ready pin number 5 connected to the ready pin of 8086. अभी ready याद है किसी को, किस पे कौन से पिन पे अवेलेबल था पिन कॉन्फ़िगरेशन 8086? जिन्होंने भी अटेंड किया होगा वो क्लास, ready पिन नंबर 22 पे था पिन कॉन्फ़िगरेशन, जो 40 पिन का आईसी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा था 8086 का माइक्रो प्रोसेसर का, उसमें 22 नंबर पे जो रेडी पिन था, दैट 22 नंबर पिन इज कनेक्टेड विद द पिन नंबर 5 ऑफ 8284, ओके, रेडी, सो 8284 पिन नंबर 5, इट इज एन आउटपुट पिन, इट इज अ रेडी आउटपुट पिन, इट इज कनेक्टेड टू 8086, इट इज कनेक्टेड टू 8086 एंड दिस सिग्नल इज इन सिंक्रोनाइजेशन विथ रेडी 1 एंड रेडी 2, सो जब भी माइक्रो प्रोसेसर वेट स्टेट में होगा तब रेडी सिग्नल इट बिकम सेट टू 1, और जब रेडी पिन सेट टू 1 होगा तब अपना काम करेगा, इट परफॉर्म इट्स फंक्शन, रेडी है मतलब इट इज रेडी टू एक्सेप्ट द डाटा, इट इज रेडी टू फेच द डाटा, इट इज रेडी टू एग्जीक्यूट द डाटा। ओके, सो इट वर्क्स, दिस रेडी पिन इज अ आउटपुट पिन कनेक्ट टू 8086 एंड इट works in synchronization with ready 1 and ready 2 inputs. Is it clear? Ready 1 and ready 2, these are also the pin of 8284 clock generator. ठीक है, और ये जो ready pin है READY, that is your pin number 5,
It is connected with 8086 ready input, and this pin works in synchronization with RDY1 and RDY2. These are the two ready input signals, RDY1, RDY2. Clear? Clear, class? Yes, ma'am. Next, your pin number 8, that is the clock. CLK, matlab clock. ठीक है, दिस पिन इट इज अ आउटपुट पिन कनेक्टेड टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर एंड इट जनरेट द क्लॉक फ्रिक्वेंसी. यूजिंग दिस पिन वी कैन जनरेट द क्लॉक फ्रिक्वेंसी. ठीक है, CLK इज अ क्लॉक फ्रिक्वेंसी पिन, क्लॉक जनरेटर पिन, which is connected to 8086. It is the output pin. Ground or VCC हम लोग पढ़ चुके हैं. Ground is available on pin number 9 and VCC connects to plus 5 volt with tolerance plus minus 10%, which is VCC is given to 18 number pin. Okay? हर एक पिन को ग्राउंड और VCC होता है. ठीक है, अपने घर में भी जो भी फेज कनेक्ट होता है उसको हम लोग ग्राउंड से भी कनेक्ट करते हैं. ग्राउंड में कनेक्ट होता है और एक लाइन पे कनेक्ट होता है, अपना सिंगल फेज है या थ्री फेज है. तो ग्राउंड जहाँ पे भी फेज है वहाँ ग्राउंड कनेक्ट होगा. ओके, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 18 पे, पिन नंबर 9 पे ग्राउंड, पिन नंबर 18 पे VCC. अभी रीसेट, रीसेट का क्या फंक्शन है? इट रीसेट द डेटा. It is used to reset the data. Reset मतलब start from 00. जो भी program counter से जो भी register data है, by using this pin, by using this reset pin, all the data will be start from 0000. Okay. By pressing this reset pin, all the program counters will be start from 0. Okay. Okay, class. Yes, ma'am. This is pin number 10. This is the output pin which is connect to the 8086. मतलब जो 8284 का output pin है वो 8086 का input pin रहेगा. Is it clear, class? जो मैं output और input बता रही हूँ उसका बहुत importance है. Reset is a output pin which is connected to 8086. और जो input pin है वो कहाँ से आएगी? वो 8086 टू 8284 रहेगा. जो इनपुट पिन मैं बता रही हूँ, इनपुट पिन मतलब दोनों अगर आईसी कनेक्ट करते हैं 8086 और 8284 क्लॉक जनरेटर, तो 8284 से जो सिग्नल निकलेगा वो आउटपुट सिग्नल रहेगा एंड इट इज गिवन टू 8086. ओके, 8284 और 8086 में कंफ्यूज नहीं होना है. 8284 इज योर क्लॉक जनरेटर आईसी और 8086 इज योर माइक्रो प्रोसेसर आईसी. ठीक है, सो 8284 से जो भी सिग्नल जनरेट होगा, जैसे कि क्लॉक सिग्नल्स, रीसेट सिग्नल, दीज आर द आउटपुट सिग्नल्स, आउटपुट पिन्स, आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा एंड दिस सिग्नल इज फीड टू माइक्रो प्रोसेसर 8086. और 8086 से जो सिग्नल जनरेट होने वाला है, इट इज गिवन टू 8284 आईसी. ठीक है, सो इनपुट पिन, आउटपुट पिन. नेक्स्ट RES, RES इज योर रीसेट इनपुट, दैट इज द एक्टिव लो इनपुट. RES, दैट इज RES बार, इट इज एन एक्टिव लो सिग्नल, दैट इज योर अवेलेबल ऑन पिन नंबर 11. ठीक है, इट इज अ एक्टिव लो इनपुट सिग्नल which is connect to RC network. RC network, LC network पढ़ा होगा, that is register coupled network. RC network is your RC register coupled network. It provides power on resetting. जब भी हम लोग reset करते हैं program counters को, सारे registers को reset करते हैं, ठीक है, and its start, it address या it data start set to 0000H. ठीक है, तो दिस एक्टिव लो इनपुट सिग्नल, दैट इज RES बार, कनेक्टेड टू RC नेटवर्क एंड इट प्रोवाइड्स पावर
ऑन रीसेटिंग, जब भी हम लोग रीसेट करते हैं 8284 को, तब ये पिन का यूज़ होता है। ठीक है, एक्टिव लो मतलब व्हेन इट सेट टू जीरो इट विल कनेक्ट टू आरसी नेटवर्क एंड इट प्रोवाइड्स पावर ऑन रीसेटिंग। ओके, पावर जनरेशन का काम करता है जब भी हम लोग रीसेट पिन का, रीसेट पिन, व्हेन रीसेट पिन इज हाई देन दिस आर ई एस बिकम जीरो एंड इट कनेक्ट टू आरसी नेटवर्क टू प्रोवाइड पावर। ओके क्लास, नेक्स्ट ओ एस सी, ओ एस सी इज योर अवेलेबल ऑन पिन नंबर 12। जैसे कि एक्स वन एंड एक्स टू भी दिया है, पिन कॉन्फ़िगरेशन फिर से दिखाती हूँ। 16 और 17 पिन पे एक्स वन एक्स टू है और 12 नंबर पिन पे ओ एस सी मतलब ऑसिलेटर। अगर एक्सटर्नल ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या करता है? यस क्लास, ऑसिलेटर का फंक्शन क्या है? जैसे कि क्रिस्टल ऑसिलेटर, कोलप्लिट ऑसिलेटर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेटर पड़े होंगे, एलसी ऑसिलेटर, आरसी ऑसिलेटर, क्या काम है ऑसिलेटर का? फ्रीक्वेंसी जनरेट कर, व्हाट? फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है यार, एसी एसी साइन वेव जनरेट करता है। यस, ऑसिलेटर का फंक्शन है टू जनरेट द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस ओएससी, दिस पिन सेट टू वन, दैट टाइम एक्सटर्नल ऑसिलेटर ओ एस सी, वेन दिस पिन सेट टू वन दैट टाइम एक्सटर्नल ऑसिलेटर की अगर जरूरत है, दैट टाइम दिस पिन एक्सटर्नल ऑसिलेटर कनेक्टेड है, और अगर वो एक्सटर्नल ऑसिलेटर की जरूरत पड़ रही है, दैट टाइम दिस पिन सेट टू वन, एक्सटर्नल ऑसिलेटर कनेक्ट रहेगा इस पिन के थ्रू, और अगर उसकी जरूरत पड़ी, दैट टाइम दिस पिन सेट टू वन एंड दिस ऑसिलेटर इज यूज टू जनरेट द क्लॉक फ्रिक्वेंसी। ओके, अदर देन 8284, इसमें इंटरनल ऑसिलेटर भी कनेक्ट रहता है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन द पिन्स एक्स वन एंड एक्स टू, एक्स वन एंड एक्स टू। जैसे 8085 भी पड़ा होगा, 8085 में इनबिल्ड क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो पिन नंबर एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन एंड एक्स टू के बीच में, दिस आर द फ्रिक्वेंसी जनरेटर पिन्स दैट इज कॉल्ड एज एक्स वन एंड एक्स टू, उसके बीच में एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया होता है जो 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल क्रिस्टल ऑसिलेटर। बट अगर एक्सटर्नल ऑसिलेटर की जरूरत पड़ रही है, दैट टाइम इट इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 12 ऑफ 8284। ठीक है, टू जनरेट द क्लॉक फ्रिक्वेंसी। इंटरनल ऑसिलेटर भी कनेक्ट होता है बिटवीन पिन नंबर 16-7, दैट मीन्स एक्स वन एंड एक्स टू पिन के बीच में इंटरनल ऑसिलेटर कनेक्ट रहता है, वो जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। ठीक है, एंड दिस क्लॉक फ्रिक्वेंसी इज गिवन टू 8086। बट अगर एक्सटर्नल ऑसिलेटर की जरूरत पड़ रही है, तो पिन नंबर 12 पे वो कनेक्ट होता है ओ एस सी, ओ एस सी पिन पे वो सेट होता है। व्हेन दिस पिन सेट टू वन, दैट टाइम एक्सटर्नल ऑसिलेटर रिक्वायर्ड टू जनरेट द क्लॉक फ्रिक्वेंसी। ओके ओके क्लास, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। नाउ नेक्स्ट इज योर पिन नंबर 13। दैट इज F/C, फ्रिक्वेंसी स्लैश क्रिस्टल सिलेक्ट। Now what is it mean? F/C, frequency or crystal select. F stand for frequency and C stand for crystal. जब भी slash में कोई pins available होती है, that means एक signal active high रहेगा और दूसरा active low रहेगा। ठीक है, F/C bar एक एक्टिव हाई सिग्नल है, एक एक्टिव लो सिग्नल है। F/C, व्हेन दिस पिन सेट टू वन मतलब सेट टू हाई, हाई स्टेट लो स्टेट होता है ना, वन मतलब हाई स्टेट, जीरो मतलब लो स्टेट। व्हेन F/C इज सेट टू वन, सेट टू हाई स्टेट, दैट टाइम एक्सटर्नल क्लॉक इज प्रोवाइडेड। जैसे कि मैंने अभी बताया ओ एस सी,
स्पिन पे क्या होगा, एक्सटर्नल ऑसिलेटर कनेक्ट रहेगा, तो उसका वो कब काम करेगा ये इंडिकेट करता है ऑन पिन नंबर 13, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी कॉमा और स्लैश क्रिस्टल सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट करना, एक्सटर्नल ऑसिलेटर यूज कर रहे हो कि इंटरनल क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज कर रहे हो, उसका स्टेटस जो दिखाता है वो पिन नंबर 13 दिखाता है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी स्लैश क्रिस्टल सिलेक्ट। ओके, व्हेन दिस पिन सेट टू वन, सेट टू हाई स्टेट, दैट टाइम एक्सटर्नल क्लॉक इज प्रोवाइडेड टू द एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी इनपुट पिन। अभी एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी इनपुट पिन है, दैट इज योर पिन नंबर 14, इट इज एन इनपुट पिन। ओके, नाउ अगेन मूव टू द पिन कॉन्फिग्रेशन। इसमें देखो पिन नंबर 13 पे है एफ कॉमा सी, दैट इज बार, यहाँ पे बार शो नहीं हुआ है, फ्रिक्वेंसी कॉमा क्रिस्टल बार। ठीक है, फ्रिक्वेंसी इज अ एक्टिव हाई सिग्नल एंड सी इज योर क्रिस्टल सिलेक्ट इज योर एक्टिव लो सिग्नल। व्हेन दिस पिन सेट टू वन, दैट टाइम एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी जनरेटर आप यूज कर रहे हो। इसका मतलब है व्हेन दिस पिन सेट टू वन, व्हेन दिस पिन सेट टू हाई स्टेट, दैट टाइम एक्सटर्नल क्लॉक जनरेटर रिक्वायर्ड। एंड व्हेन दिस पिन सेट टू जीरो, दैट टाइम व्हेन दिस पिन सेट टू जीरो, that time external clock is provided to EFI, matlab external frequency input pin, and when this pin set to zero, that time external crystal oscillator connected between X1 and X2, understood? तो ये status दिखाता है, this pin is a status select pin, frequency एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड हो रही है या फिर एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किया जा रहा है X1 X2 के बीच में, कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो आप? फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर यूज कर रहे हो या फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर जो X1 और X2 के बीच में कनेक्ट है, कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो? दैट विल डिसाइड बाय दिस पिन, दैट इज एफ कॉमा सी, फ्रिक्वेंसी स्लैश क्रिस्टल सिलेक्ट। और जब ये पिन वन पे सेट होगा, दैट टाइम एक्सटर्नल क्लॉक इज प्रोवाइडेड, एंड व्हेन दिस पिन सेट टू जीरो मतलब लो स्टेट, दैट टाइम एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड टू X1 एंड X2। ओके, नेक्स्ट इज योर पिन नंबर 14, दैट इज EFI, दैट इज एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी इनपुट। एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी इनपुट ये कब काम में आता है? When this pin set to 1, that time it supply timings, timing circuits होती है, timing diagram देखा होगा, that when this pin set to 1, that time it supplies timing signals to the peripheral, external frequency input, okay? It is used when, ये pin किसके साथ use की जाती है? With F/C, frequency और क्रिस्टल सिलेक्ट के साथ ये पिन यूज की जाती है, दैट इज योर एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी इनपुट। जब आप एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड करते हो, दैट टाइम दिस पिन सेट टू 1। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट यू आर रेडी सिंक्रोनाइजेशन, व्हिच इज अ एक्टिव लो सिग्नल। रेडी सिंक्रोनाइजेशन, ASYNC, दैट इज योर रेडी सिंक्रोनाइजेशन व्हिच इज अ एक्टिव लो सिग्नल। It is available on pin number 15, okay, and it is this, all the synchronization pin is used with ready signals RDY1 and RDY2. इसके पहले भी हम लोगों ने एक synchronization signal देखा था जो अपना पहला pin number 1 पे था, that is your CSYNC, control synchronization, और ये है ASYNC, that is your ready synchronization. These all pins, the AEN1, AEN2, ये सब सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन विद रेडी इनपुट्स। ओके, लास्ट X1 एंड X2, X1 एंड X2 इज योर पिन नंबर 16 एंड 17। X1 X2 ये क्या है? एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड टू दिस इनपुट्स। 16 एंड 17 इनपुट्स पे क्या कनेक्ट है? एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट है। इट इज यूज एज अ टाइमिंग सोर्स,
क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या जनरेट करता है, फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, एंड वो फ्रिक्वेंसी टाइम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड टाइमिंग सोर्सेस फॉर द क्लॉक जनरेटर. ठीक है, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी मस्ट बी 3 टाइम्स ऑफ फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऑफ 8086. X1 और X2 के बीच में जो क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट है, एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर, वो जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है वो फ्रिक्वेंसी थ्री टाइम्स फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ 8086, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ 8086. इज इट क्लियर क्लास? सारे पिन कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गए? 18 पिन हर एक का फंक्शन समझ में आ गया? ओके, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, पेरिफेरल क्लॉक सिग्नल, एड्रेस अनेबल पिन्स, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 यूज विथ रेडी सिग्नल RDY1, RDY2, देन रेडी आउटपुट पिन कनेक्टेड टू 8086, सिंक विथ RDY1, RDY2, देन क्लॉक इज द इनपुट पिन कनेक्टेड टू 8086, ग्राउंड VCC, देन योर रीसेट आउटपुट पिन विच इज कनेक्टेड टू 8086, देन रीसेट आउटपुट, रीसेट इनपुट. ओके, देन ऑसिलेटर, OSC ऑसिलेटर, ये सेम फंक्शन, दिस OSC ऑसिलेटर इज सेम एज क्रिस्टल ऑसिलेटर X1 X2. ओके, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल सिलेक्ट, वेदर यू आर यूजिंग एक्सटर्नल क्लॉक या एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर, कौन सा यूज कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट दिस पिन सेट टू 1, सेट टू 0, देन एंड इट इज यूज विथ एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल, देन यू आर रेडी सिंक्रोनाइजेशन, दिस ऑल सिंक्रोनाइजेशन पिन्स यूज विथ रेडी इनपुट्स, रेडी इनपुट 1 RDY1 एंड रेडी इनपुट 2 RDY2. X1 X2 क्रिस्टल ऑसिलेटर इज कनेक्टेड बिटवीन दिस टू इनपुट पिन्स एंड इट जनरेट क्लॉक फ्रिक्वेंसी विच इज थ्री टाइम्स ग्रेटर दैन द फ्रिक्वेंसी जनरेटेड बाई 8086. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लॉक जनरेटर 8284. यस मैम. यस मैम. सबको समझ में आ गया? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज योर, मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, फिर से और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. दैट इज योर मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड, ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर. हाउ मेनी ऑपरेटिंग मोड्स आर देयर इन 8086? पिन कॉन्फ़िगरेशन में जब पढ़ाया था तब हम लोगों ने सेपरेट दो मोड्स पढ़े थे, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड. सो 8086 वर्क इन टू मोड्स, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड. When minimum mode is used, फिर से ये पूछ रही हूँ मैं, when minimum mode is used, when maximum mode is used. 8086 का पूरा working work दो mode में होता है, minimum mode और maximum mode. When minimum mode is used, when the system uses single processor, that time 8086 work in minimum mode. Okay, and when 8086 work in maximum mode, when the system uses multiple processor, that time 8086 work in maximum mode. So कुछ pins common थी minimum mode और maximum mode के लिए, कुछ pins common थी और pin number कहाँ से कहाँ तक के special pins थी for two modes, pin number 24 to 31, pin configuration में जो 24 to 31 pins थी, it is reserved for minimum and maximum mode. तो हर एक पिन के फंक्शंस मैं बता चुकी थी, 24 to 31 पिन्स ये जो स्पेशल पिन्स थी, रिजर्व फॉर मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड. ओके क्लास, मैक्सिमम मोड में हम लोगों ने कौन कौन से पिन यूज किए थे, किसी को याद है? यस मैम. मैक्सिमम मोड में कौन से पिन यूज किए थे, चलो बताओ. RQGT1, उसके बाद यस RQGT1 और 0, उसके बाद लॉक यूज किया रिक्वेस्ट था. ग्रांट, रिक्वेस्ट ग्रांट, RQ/GTO, दैट इज रिक्वेस्ट एंड ग्रांट सिग्नल.
दिस आर पिन नंबर 30, 31 देन 29 पे था लॉक बार फिर 25, 26, 27 पे था स्टेटस सिग्नल्स यस दिस आर द एक्टिव लो सिग्नल दिस आर द स्टेटस सिग्नल S0 S1 S2 क्या करता था S0 S1 S2 क्या करता था व्हेन ऑल दिस पिन सेट टू जीरो दैट टाइम्स डिस्प्ले करता था स्टेटस सिग्नल यस स्टेटस सिग्नल्स को बट रिलेटेड टू व्हाट व्हेन दिस पिन सेट टू 000 तो टोटल 7 कॉम्बिनेशंस थी टोटल 7 कॉम्बिनेशंस पड़ी थी जैसे कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जैसे कि रीड इनपुट आउटपुट राइट इनपुट आउटपुट देन हॉल्ट read from memory write from memory and when this status signal all pin set to 1 then it perform nothing it is in ideal state so s0 s1 s2 these are the status signals next is your that is queue selection qs0 and qs1 मैक्सिमम मोड के पिंस बता रही हूँ मैं ठीक है ये मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ जब मैं पिन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था 886 का तब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारे पिंस के बारे में ठीक है तो ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 886 एक अलग से टॉपिक है बट ये टॉपिक मैं ऑलरेडी पिन कॉन्फ़िगरेशन